अस्सलाम वालेकुम, हम सीख रहे हैं इंग्लिश और स्पेनिश स्टेप बाय स्टेप बेसिक से तो आसान तरीके से। लेसन नंबर है 92। हम सीख रहे हैं फैशन, तो चलें देखते हैं आज क्या लेसन है। विच ऑफ दीज इज रेड, इन में से रेड कौन सा है। रेड को क्या बोलते हैं, लाल, तो रेड को स्पेनिश में क्या बोलेंगे, रोहो। रोहो, आगे बढ़ते हैं। Which of these is the pants? इनमें से pants कौन सी हैं। The pants को स्पेनिश में क्या बोलेंगे, Los pantalones. Los pantalones. आगे बढ़ते हैं। La camiseta roja es para mi abuela. La camiseta roja es para mi abuela. इसके माने होते हैं लाल टी शर्ट मेरी दादी के लिए है। इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में, द रेड टी शर्ट इज़ फॉर माई ग्रैंड मदर। द रेड टी शर्ट इज़ फॉर माई ग्रैंड मदर। रेड टी शर्ट मेरी दादी के लिए है। आगे बढ़ते हैं। तू नुनका उसा ज़ापातोस रोहोस। तू नुनका उसा ज़ापातोस रोहोस। इसके माने होते हैं क्या आप कभी लाल जूते नहीं पहनते हो। तो इसी जुमले को हम किस तरह से बोलेंगे इंग्लिश में, डू यू नेवर वेयर रेड शूज। क्या आप कभी लाल जूते नहीं पहनते हो। आगे बढ़ते हैं। Estos zapatos no son interesantes. Estos zapatos no son interesantes. Estos zapatos no son interesantes. इसके माने होते हैं ये जूते दिलचस्प नहीं हैं। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे, These shoes are not interesting. These shoes are not interesting. ये जूते दिलचस्प नहीं हैं। आगे बढ़ते। Yo quiero las camisetas rojas, por favor. दोबारा सुनते हैं, शोर हो रहा था। Yo quiero las camisetas rojas, por favor. यो केरो लाज कमिसिताज रोहास पर फेवर। इसके माने होते हैं बराए मेहरबानी मैं रेड टी शर्ट्स चाहता हूँ। इसी जुमले को हम किस तरह बोलेंगे इंग्लिश में, आई वांट रेड आई वांट द रेड टी शर्ट्स प्लीज़। मैं बराए मेहरबानी मैं लाल टी शर्ट्स चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। Los hombres usan camisetas verdes en el concierto. Los hombres usan camisetas verdes en el concierto. इसके माने होते हैं आदमियों ने हरी टी शर्ट्स कॉन्सर्ट के लिए पहनी हुई हैं। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे इसे, द मैन आर वेयरिंग ग्रीन टी शर्ट टू द कॉन्सर्ट। आगे बढ़ते हैं। Lorena y Lucía usan vestidos bonitos en la fiesta. Lorena y Lucía usan vestidos bonitas en la fiesta. इसके माने होते हैं Lorena और Lucía ने प्यारे पार्टी के लिए प्यारे कपड़े पहने हुए हैं। ठीक है, इसी जुमले को हम किस तरह से बोलेंगे इंग्लिश में, Lorena एंड Lucía are wearing pretty dresses for the party. आगे बढ़ते। Mamá, ¿por qué no usas estas camisetas? Mamá, ¿por qué no usas estas camisetas? इसके माने होते हैं मामा, अम्मी आप ये टी शर्ट्स क्यों नहीं पहनती हैं। दोबारा सुनिए। मामा, ¿por qué no usas estas camisetas? मामा, ¿por qué no usas estas camisetas? इसके माने होते हैं अम्मी आप ये क्यों टी शर्ट्स नहीं पहनती हैं। इसी जुमले को हम किस तरह लिखेंगे इंग्लिश में, why don't you wear दीज टी शर्ट। अम्मी आप क्यों ये टी शर्ट्स नहीं पहनती हैं। आगे बढ़ते हैं।
हाउ डू यू से दीज, दीज को आप किस तरह से कहते हैं? दीज के माने होते हैं ये, तो दीज को आप स्पेनिश में क्या बोलेंगे? Estas. जस्ट अ सेकेंड, श्योर हो रहा है? दीज को आप स्पेनिश में क्या बोलते? Estas. Estas. आगे बढ़ते। माई बॉयफ्रेंड ऑलवेज वेयर्स रेड टी शर्ट्स, इसके माने होते हैं मेरा बॉयफ्रेंड हमेशा लाल टी शर्ट्स पहनता है। इसी जुमले को हम किस तरह से बोलेंगे? एक्सक्यूज मी, माई बॉयफ्रेंड ऑलवेज वेयर रेड टी शर्ट्स, इसके माने होते हैं मेरा बॉयफ्रेंड हमेशा लाल टी शर्ट्स पहनता है। इसी जुमले को हम किस तरह से बोलेंगे स्पेनिश में? देखते हैं हम इसमें से कौन सी सही ट्रांसलेशन है। सही ट्रांसलेशन है ये वाली, मी नोवियो सिम्प्रे उसा कमिसिताज रोहाल्स, मेरा बॉयफ्रेंड हमेशा लाल टी शर्ट्स पहनता है। माई बॉयफ्रेंड ऑलवेज वेयर रेड टी शर्ट्स। आगे बढ़ते हैं, फिर मैच करते हैं। शुगर, शुगर के माने होते हैं चीनी, तो स्पेनिश में होता है असुकर। क्लोज्ड, क्लोज्ड के माने होते हैं बंद, तो स्पेनिश में क्या बोलेंगे? सेरादो। टू स्पीक, टू स्पीक होता है बोलना, तो स्पेनिश में क्या होता है? हब्लर। संडे, संडे के माने होते हैं इतवार का दिन, तो स्पेनिश में क्या होता है? डोमिंगो। दीज, दीज के माने होते हैं ये, तो स्पेनिश में क्या होता है? एस्टास। आगे बढ़ते हैं, आई वॉन्ट द रेड टी शर्ट्स प्लीज़, इसके माने होते हैं बराए मेहरबानी मुझे, बराए मेहरबानी मैं लाल टी शर्ट्स चाहता हूँ। इसी जुमले को हम किस तरह से बोलेंगे स्पेनिश में? सही ट्रांसलेशन है ये वाली, यो केरो लास कमिसेताज रोखास पर फेवर, बराए मेहरबानी मैं लाल टी शर्ट्स चाहता हूँ। आई वॉन्ट द रेड टी शर्ट्स प्लीज़। आगे बढ़ते हैं, प्यार मैच करते हैं। टू, टू के माने होते हैं दो, तो स्पेनिश में क्या होता है? दोस। वाटर, वाटर कहते हैं पानी को, तो स्पेनिश में क्या बोलेंगे? अगुआ। वुमेन, वुमेन होता है औरतें, तो स्पेनिश में क्या होगा? मुहेरेस। दीस, दीस के माने होते हैं ये, तो स्पेनिश में क्या होता है? Estos. माई, माई के माने होता है, माई माने होता है मेरा, तो स्पेनिश में क्या होता है? नी। आगे बढ़ते, द रेड पैंट्स आर नॉट प्रिटी, इसके माने होते हैं लाल पैंट्स प्यारी नहीं है, लाल पैंट्स प्यारी नहीं है। इसी जुमले को हम किस तरह से बोलेंगे स्पेनिश में? देखते हैं इनमें से कौन सी सही ट्रांसलेशन है, आप भी देखें मैं भी देखता हूँ। सही ट्रांसलेशन है ये, लोस पेंटालोनेस रोजोस नो सोन बोनितोस, लाल पैंट्स प्यारी नहीं है, द रेड पैंट्स आर नॉट प्रिटी, द रेड पैंट्स आर नॉट प्रिटी। आगे बढ़ते, द रेड शूज आर न्यू, इसके माने होते हैं लाल जूते नए हैं। इसी जुमले को हम किस तरह से लिखेंगे इंग्लिश में? द रेड शूज को कैसे लिखेंगे? लॉस रोहोस, रोहोस सपातोस रोहोस, लॉस सपातोस रोहोस सोन नुएवोस, लॉस सपातोस रोहोस सोन नुएवोस, लाल जूते नए हैं, द रेड शूज आर न्यू। आगे बढ़ते, कामिला एंड एना व्हाट शूज आर यू वेयरिंग टुडे, इसके माने होते हैं कामिला एंड एना आज आप क्या जूते पहन रही हैं, तो इसी जुमले को हम स्पेनिश में
क्या किस तरह बोलेंगे? कामिला एंड अना के जपतोस हुसन उस्तेदेस होए। कामिला एंड अना, आज आप क्या जूते पहन रही हैं? तो ये तो था आज का लेसन। अगले लेसन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।